एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होगे, सब बहुत अच्छे होगे। एंड न्यू हो चैनल पे तो प्लीज़ जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा मेरे वीडियोस को, ताकि अच्छा रिस्पांस आए और मुझे वीडियोस बनाने में और भी मन करे। तो आज जो वीडियो है वो आपको थंबनेल एंड टाइटल से तो पता चल ही गया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। एक हेयर केयर प्रोडक्ट के बारे में बात कर रही हूँ और ये मैंने पहली बार यूज़ किया था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर क्यों ना किया जाए, अच्छा हो बुरा हो, ताकि आपको रिव्यूज़ मिल जाते हैं इजी तरीके से यूट्यूब पे। और मैं भी रिव्यूज़ देख के ही कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदना पसंद करती हूँ, ताकि मेरे लिए इजी हो और वो अच्छा रहे तो ही लोग ख़रीदता है, ख़राब तो कोई ख़रीदता है नहीं, जनरली यही है। तो ये मैंने बहुत ऐसे ही मैं स्क्रॉल कर रही थी एंड मैं स्मिटन ऐप से ये मैंने ख़रीदा था, और पहला बार मैंने ये ख़रीदा ऐसा कुछ प्रोडक्ट अपने हेयर के लिए। मैं हेयर मास्क वैसे बहुत बार लगा चुकी हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन कोई ऐसा प्रोडक्ट जो मतलब कि मेहंदी हेयर मास्क और घर पे जो होम रेमेडीज़ से हम लोग बनाते हैं वो तो मैं जनरली यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा, बहुत एक्सेस रेट में मेरा हेयर फॉल होता था। और आपने शुरू के वीडियोज़ में मुझे देखा होगा कि मेरा बाल इतना तक था और ये मेरा बाल धीरे 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 करके ही ये मेरा बाल इतना लंबा हुआ है, अचानक से नहीं हुआ, बहुत दिनों के बाद, बहुत मुश्किलों के बाद इतना बाल लंबा थोड़ा सा ठीक ठाक हो गया। तो मैं आज बात करने वाली हूँ एक हेयर मास्क के बारे में, जो कि ममा अर्थ की तरफ से मैंने बाय किया था और ये मैंने स्मिटन से ख़रीदा था। स्मॉल सा पैक है जो कि है ममा अर्थ ऑनियन हेयर मास्क विथ ऑनियन ऑयल एंड ऑर्गेनिक बैम्बू वेनेगर। इसमें ये दो चीज़ मेन है, जो कि ऑनियन ऑयल है और बैम्बू वेनेगर इसका मेन इंग्रेडिएंट है। इसमें पैराबिन फ्री है, सिलिकॉन फ्री है, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है, और इसका मेन MRP है 99 रुपीज़ और इसका वेट है 25 ग्राम्स। तो हेयर मास्क के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, हेयर मास्क बहुत अच्छा होता है। जब मैं जनरली लगाती थी हेयर मास्क, जैसे कि मेहंदी वाला और मेरे बहुत सारे हेयर केयर वाले में होंगे, आप लोग चेकआउट कर सकते हो अगर आपको अच्छी लगती है होगी तो मैंने हेयर मास्क बहुत सारे लगाए थे, पर मैं ऐसा कोई भी बाहर से मैंने हेयर मास्क नहीं ख़रीदा था। तो ममा अर्थ आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाते हैं एंड बहुत अच्छे इनके प्रोडक्ट्स होते हैं। बहुत जो भी इसमें इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होते हैं वो आपके हेयर के लिए या स्किन के लिए, मेनली स्किन केयर प्रोडक्ट्स ही बनाते हैं। अब ये कॉस्मेटिक पे भी आ गया है, जैसे कि इनका अभी लॉन्च किया गया है काजल, बहुत अच्छा है और मैं जल्दी से जल्दी बाय करने की कोशिश करूँगी। तो अब कॉस्मेटिक पे भी आ गया था, पहले ये स्किन केयर बनाते थे, उसके बाद मेनली हेयर केयर ऑनियन इनका रेंज जो है हेयर फॉल रेंज, हेयर कंट्रोल रेंज, तो उस पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स इन्होंने बनाए थे। इनका हेयर ऑयल भी है, इसका पूरा रेंज आपको मिल जाएगा, हेयर मास्क, हेयर ऑयल, शैम्पू, कंडीशनर, सारा का सारा रेंज। पर मुझे हेयर मास्क ट्राई करना था, क्योंकि ऑयल और ये सब मैं वही में लगाती हूँ, मुझे डर भी लगता है कि मेरा हेयर फॉल होने लगेगा। अगर कोई स्पॉन्सर के लिए मुझे देगा तो फ्री में मैं क्यों नहीं यूज़ करूँगी, पर मैं बाय करके अभी नहीं लगाना चाहती हूँ, क्योंकि उसका थोड़ा सा हाई प्राइजेस है। और इसकी बात कर ली जाए तो मैंने आप सबको बता दिया है कि ये 25 ग्राम्स की है, 99 रुपीज़ इसका MRP है। ये कैसे लगाते हैं, इस पर इंट्रोडक्शन पूरा का पूरा दिया गया है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट है वो सारे के सारे इसमें बताया गया है। और मेनली ये हेयर कंट्रोल को कंट्रोल करता है, डिटैंगल हेयर, स्ट्रेंथ करता है आपके रूट्स को, और सूटेबल फॉर कलर एंड ट्रीटेड हेयर। अगर आपने कोई भी ट्रीटमेंट करवाई है अपने हेयर पर, या कोई भी कलरिंग करवाई है, या कुछ बहुत सारी चीज़ें गर्ल्स करवाती रहती है अपने हेयर पे, मैंने भी करवाया हुआ था अपने बालों पे हेयर कलर, तो वो सारी की सारी जितना भी ट्रीटमेंट आपने अपने बालों पे करवाया, वो सारे के सारे आप ये यूज़ कर सकते हैं, कोई भी मतलब कि इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, इन्होंने ऐसा बताया। और ये कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, पहले तो आप अपने बालों को नॉर्मल पानी से, मतलब कि इसको अगर आपके पास स्प्रे है तो स्प्रे बॉटल से, या हाथों से ही अपने पूरे बालों को थोड़ा सा हल्का गीला कर लीजिए एंड पार्ट बाय पार्ट करके इसको थोड़ा थोड़ा पार्ट लेके एंड इसको पाम पे लेके, ये अगर पंप में या मतलब कि इस तरीके का कंटेनर में आता तो बहुत इजी है, पर इसको आप पाम पे लेके एंड पार्ट बाय पार्ट आप इसको लगाइए। पहली बार मैंने जब यूज़ किया था तो मुझे डायरेक्शन मैंने नहीं पढ़ा था, जो कि गलत बात है, और मैंने डायरेक्टली ड्राई हेयर पे लगा लिया था, तो उससे कुछ वैसा ख़राब नहीं हुआ था, लेकिन ये पूरा का पूरा बाल में नहीं लग पाया था। दो बार आप इसको लगा सकते हो, इतना प्रोडक्ट मेरे हेयर
सेंटीमीटर लेंथ, उतने हेयर लेंथ वाले ये दो बार लगा सकते हैं। जिनका मुझसे ज़्यादा है तो वो एक ही बार चलेगा, उसके बाद दूसरी बार लगाते लगाते ये पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका था। और मैंने दूसरी बार पूरे बाल को मतलब कि थोड़ा सा वेट कर लिया, उसके बाद मैंने इसको लगाया पार्ट बाय पार्ट। इसको लगा लेने के बाद 20 मिनट तक आपको इसको छोड़ देना। उस दिन आपको शैम्पू नहीं करना, कुछ कंडीशनर्स कुछ भी नहीं लगाने। अगर आपका ममा अर्थ का ही अगर ऑनियन रेंज का अगर कंडीशनर है तो आप लगा सकते हो, पर कंडीशनर मेरे हिसाब से नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसको लगा लेने के बाद आपका बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। मैंने वीक में एक बार शैम्पू करती हूँ और मैंने वीक भर मैंने कुछ भी नहीं लगाया। और एक चीज़ मेरे हिसाब से, आपके बाल में ऑयल नहीं होना चाहिए, अगर होगा थोड़ा हल्का बहुत होगा तो ठीक है, पर जो चम्पी टाइप का होता है वैसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा कम ही होना। अभी मेरे बाल आप देख सकते हो कितना सॉफ्ट लग रहा है और शाइनी भी दे रहा है, शाइन भी है मेरे बाल पे। और इसको मैंने ही लगाया है, कल ही मैंने इसको लगाया था और इसका रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले एक बार मैं लगा चुकी थी, मैंने आप लोगों को बताया था, दूसरी बार मैं जो बता रही हूँ तो इससे मेरा बहुत अच्छा बाउंसीनेस आ गया है मेरे बालों में, शाइन तो आया ही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और जो यहाँ से झाड़ू जैसा लगता है ना वो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसको लगा लेने के बाद मुझे नहीं लगता कि कंडीशनर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये लगाने के बाद अपने आप ही आपका बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। नॉर्मल पानी से आप वॉश कर लीजिए, वार्म वाटर मत यूज़ कीजिएगा कभी भी अपने हेयर पे, विंटर्स को छोड़ के, वो भी हल्का सा वार्म होना चाहिए। अपने बालों पे नॉर्मल पानी से आप वॉश कर लीजिए, उस दिन शैम्पू मत यूज़ कीजिएगा, अगले दिन आप शैम्पू यूज़ कर सकते हो। मुझे वैसे ज़रूरत नहीं पड़ी है, आज भी मैं आप लोगों के सामने हूँ, तो मैंने इसको बस यूज़ किया है और छोड़ दिया था 15 से 20 मिनट। एंड वॉश करने के बाद मेरा रिज़ल्ट के बालों में शाइन आ जाती है, जैसा बेबी हेयर होता है वैसा ही मेरा बाल लग रहा है। तो मुझे ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, मेरे बाल पे थोड़ा अच्छा सूट कर रहा है, बहुत कम ही चीज़ें हैं जो मेरे बाल पे सूट करता है, क्योंकि मैं इसलिए मैंने ये ट्राई करना सोचा, क्योंकि ममा अर्थ बहुत अच्छा ब्रांड है, बहुत ज़्यादा सुनती हूँ, तो हेयर फॉल कंट्रोल के लिए बहुत अच्छा है। अगर इसका बड़ा बॉटल आप खरीदोगे तो ये कम MRP मिल जाएगा। अगर आप ट्रायल करना चाहते हो स्पिंडन से आप इजीली बाय कर सकते हो, और फ्री में कैसे वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी आपको। अगर और भी वीडियोस, कोई और भी रिव्यू वीडियोस आपको चाहिए है तो मुझे ज़रूर कमेंट करना पसंद करूँगी, एंड आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, अच्छा होगा तो वो भी शेयर करूँगी, ख़राब होगा तो वो भी शेयर करूँगी। मेरे बाल पे ये बिल्कुल नेगेटिव रोल नहीं किया है मुझे बहुत। और लास्ट में मैं बोलना चाहती हूँ, अगर आपको अच्छी लगती है वीडियोस तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और कमेंट कीजिएगा कैसी लगी आपको मेरी वीडियोस। तो थैंक यू सो मच, बाय।